आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की चर्चित एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया की बहन सिंपल कपाड़िया की, जिन्हें बॉलीवुड में वो सफलता नहीं मिली जैसी वो चाहती थी। सिंपल ने 18 साल की उम्र में 1977 में फिल्म अनुरोध से अपने जीजा राजेश खन्ना के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उन्होंने शाखा, चक्रव्यूह जैसी फिल्मों में जितेंद्र के साथ भी काम किया। इसके अलावा सिंपल लूट मार, जमाने को दिखाना है, जीवन धारा, दूल्हा बिकता है जैसी कई फिल्मों में सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रूप में नजर आई। करीब 10 साल तक एक्टिंग करियर में लगातार जिद्दोजहद करने के बाद भी सिंपल अपनी बहन डिंपल कपाड़िया जैसी शोहरत नहीं बटोर पाई। फिल्म में सफलता न मिलने के बाद सिंपल ने एक्टिंग छोड़ दी और डिजाइनिंग का रुक लिया। एक्टिंग छोड़ सिंपल कॉस्ट्यूम डिजाइनर बन गई। सिंपल ने साल 1987 में सबसे पहले डिंपल कपाड़िया की फिल्म इंसाफ के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए। उसके बाद उनके पास खूब काम आने लगा। उन्होंने रुदाली, रोक सको तो रोक लो, शहीद जैसी फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन की। रुदाली फिल्म के लिए सिंपल को नेशनल अवार्ड मिला। कामयाबी उनके कदम चूम रही, तभी उन्हें पता चला कि वो कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रही हैं। और 10 नवंबर 2009 में 51 साल की उम्र में सिंपल दुनिया छोड़ गई।